जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ पनीर के एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बने हुए पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने तो 250 ग्राम जितना पनीर लिया है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। होममेड पनीर है और आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट सा पनीर है। तो चलिए इसे बिल्कुल अच्छे से क्रम्बल कर लेते हैं, परंतु आप इसे कद्दूकस ना करें, चम्मच से कर लें, फोक से कर लें, वरना आप हाथों से कर सकते हैं। तो बस आप इसमें डाल देते हैं 2-3 हरी मिर्चें जिसे एकदम बारीक कट कर लिया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने मन से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी तीखा आपको पसंद हो। और उसके बाद डाल दिया टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/4 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, तीखा भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये ली थोड़ी सी कसूरी मेथी, आप पनीर की कोई भी रेसिपी बनाएं उसमें कसूरी मेथी बहुत ही अच्छी लगती है। और 4-5 काली मिर्चें जिसे कूट लिया था और थोड़ा सा हरा धनिया। और ये लीजिए, पराठों के लिए एकदम परफेक्ट बेस बनकर तैयार है। हमें इसके लिए ना स्टफिंग बनाने की चक्कर है और ना ही उसे हमें फिल करने की ज़रूरत है। तो बस अब उसमें पनीर में मैंने डाल दिया 1 कप जितना नॉर्मल गेहूँ का आटा और बस अच्छे से मिक्स कर लिया। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक नॉर्मल सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे और उसे हल्का सा चिकना करेंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और लीजिए, 10 मिनट भी हो गए और आप देख सकते हैं डो काफ़ी अच्छा स्मूथ सा लग के तैयार हुआ है। एक बार और मसल लिया और उसके बाद हम इसको इस तरीके से बॉल की शेप दे लेंगे जैसे कि नॉर्मली हम पराठे बनाते हैं, और एक साइड से रखते जाएंगे। आप चाहें तो ये काम हाथ के हाथ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो पहले से करके रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर लें। और बस उसके बाद सूखा आटा लिया और एक पेड़ा लेंगे, उसे हल्का सा कोट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कोटिंग अगर हम पराठों पर इस तरीके से पॉलीथिन की कर देते हैं तो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं बनता है, मतलब लुक थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और बस हल्की सी ऑयलिंग अंदर कर देंगे जिससे पराठा और भी ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगा। और बस इस तरीके से चुन्नटे देते हुए अच्छे से कवर किया, प्रेस किया और लीजिए एक बेला बनकर तैयार है। फिर से हल्का सा सूखे आटे में कोट किया और बेलन के साथ जैसे कि हम नॉर्मली और पराठे सेकते हैं, मतलब कि बेलते हैं, इसे भी बेल कर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, एक बिल्कुल नॉर्मल पराठे की तरह मैंने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। एक और बना लेते हैं और थिकनेस भी नॉर्मल पराठे से बस लिटिल बिट ज़्यादा रखी है, बहुत ज़्यादा मोटा पराठा नहीं बनाना है। और एक और बना लेते हैं, बस सूखे आटे में कोट किया और उसे भी बेल लिया। और ये लीजिए, 2 पराठे बनकर तैयार हैं। और अब बारी है इन्हें सेकने की। सेकने के लिए गैस ऑन करी, तवा रखा और बस पराठा प्लेस कर दिया। जैसे ही एक तरफ से हल्का सा ड्राई हुआ, टर्न किया और दूसरी तरफ अच्छा कलर आया। और अब बारी है पराठे की ऑयलिंग करने की। ऑयल भी आप अपने मन से थोड़ा सा कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, जिस भी हिसाब से आपको पसंद हो। लेकिन पराठे अगर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगाएंगे तो पराठे ज़्यादा खस्ता बनके तैयार होंगे। और ये देखिए पराठा कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है, देखने में ही बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए इसे तो एक साइड से रखते हैं और सेम प्रोसेस से एक और पराठा बना लेते हैं। और बाकी पराठे मैं बनाऊँगी ऑफलाइन। और ये लीजिए, ये दूसरा पराठा भी फटाफट सीकर तैयार हो गया है। नॉर्मल पराठे जितना ही टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि पनीर झटपट सीक जाता है। और ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता करारे हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। आप हरे धनिए की चटनी, टमाटो केचप, चाय या आलू की सब्जी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। उम्मीद है रेसिपी जरूर अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।